तो हम लोग सीधा अब टॉपिक्स पे चलते हैं, बहुत अधिक लेट नहीं करते हैं। तो सीधा हम लोग फिर अब वॉल्यूम 3 पे चलते हैं, वो सिंगल पॉइंट वाली बुक पे, और उस पे बात करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम आपसे सीधा स्क्रीन शेयर करते हैं और सीधा वहीं पे जाके बात करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं हम लोगों के पास और समय बहुत लिमिटेड है। तो फिर से हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपना, वॉल्यूम 3 आप लोगों को दिख रहा है। ये भी हम यस लोगों का सर। सिंगल पॉइंट की बुक है जी, ठीक है। और इसमें भी हम लोग एक एक पॉइंट से, एक एक दो दो पॉइंट से काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग ठीक कर पाएंगे। ब्रेन से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड कई सारी चीज़ों का इसमें ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए टॉपिक्स काफ़ी बड़ा है हम लोगों के पास, अगर देखें तो 299 पॉइंट है टोटल। 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है बात करना, लेकिन हाँ जितना हो पाएगा। लेकिन कहने का ये मतलब, जब पुस्तकों से हमारा परिचय होता है तो फिर धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आने लगती है, फिर हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद धीरे धीरे चीज़ें हमें याद होने लग जाती हैं, फिर हम लोग उपचार में उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए एनीमिया के लिए हम लोगों ने वहाँ भी पॉइंट देखा, UB11, इस UB17, UB11, K7, कई सारे पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। अब देखिए एनीमिया के डॉक्टर बॉल ने भी एक पॉइंट बताया है, LY13, यानी लिम्फ चैनल का LY13 पॉइंट को लगाने से भी एनीमिया ठीक हो सकती है अपने पर। तो एनीमिया बताने की जरूरत नहीं, एनीमिया क्या होती है हम सभी को पता है। इसके अलावा एब्डोमिनल वेन्स, पेट की सिराए में जब एनर्जी यानी ब्लड का फ्लो, यानी जो वेन्स वेनस फ्लो है वो प्रभावित होने लग जाए, उसमें मार्ग अवरुद्ध हो जाए और पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाए, पेट पे ऐसा लगे जैसे मकड़ी के जाले बने हुए हैं। तो बहुत सारे रोगी इस तरह मिलेंगे जिनके पेट पे अगर देखें तो बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसे बने हुए दिखते हैं। उसका मतलब ये है कि वेनस चैनल तो है लेकिन दिखता नहीं सभी लोगों का। अगर वो दिखने लग जाए इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, वो डोमिनेंट हो गया, बाहर से दिखने लग गया। तो ऐसे कंडीशन में ST-33 पॉइंट को टोन कर देते हैं तो ये एब्डोमन का वेनस फ्लो को ये मेंटेन कर देता है, वहां की रुकावट को ये दूर कर देता है। तो एब्डोमन के वेन्स के लिए आप ST-33 पॉइंट को टोन कर दीजिए। इसके अलावा आपके आम बाहों बाहों में आपके जो लिम्फ के चैनल हैं उसमें कंजेशन आ जाए, उसमें अवरोध हो जाए। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट में किसी प्रकार की गलन सड़न इस तरह की चीजें हो जाती हैं, उनके ब्रेस्ट निकाल दिए जाते हैं गांठ या कैंसर के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जब निकाल देते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो लिम्फ चैनल है उसमें कंजेशन आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में इन फीमेल्स में बांह मोटे हो जाते हैं, बहुत पेनफुल हो जाते हैं, आप उनको टच करेंगे तो टच नहीं करने देते बहुत बार। तो ऐसे कंडीशन में LY6 पॉइंट को सिडेट करने से उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए लिखा है, ब्रेस्ट में कैंसर जब हो जाता है या ब्रेस्ट में गांठ बन जाती और इसके बाद बांह में दर्द होने लग जाता तो भी आपको LY6 इस पॉइंट को सिडेट करने से स्तन रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा देखिए हम लोगों ने भी पहले भी देखा कि अगर इस रीजन में अगर ब्रेस्ट में किसी प्रकार का कोई चीज हो जाए, गांठ घाव दर्द, तो एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था अभी स्टमक का ST-34, और लोकल पॉइंट के रूप में देखें तो आप ST-17 नंबर पॉइंट भी आपका इसी जगह पे है। तो इस तरह से हम लोग प्रोटोकॉल में कई सारे पॉइंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट के रूप में डॉक्टर वॉल का क्लीनिंग, चूंकि कैंसर क्या है कि एक प्रकार से कहें तो उसको कह सकते हैं कि बदमाश कोशिकाएं जो है वो ग्रोथ अपना करने लगती है, बढ़ाने लग जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या है, वहां हमें क्लीनिंग करनी है, निकालनी है चीजों को, तभी उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए LY6 बेस्ट पॉइंट है, इसको यूज कर सकते हैं। अपने पास पॉइंट बहुत सारे हैं। इसके अलावा हाथों की आर्टरीज के जो पॉइंट्स हैं, यानी आपके बांह में आर्टरीज का फ्लो प्रभावित हो जाए, अवरोध हो जाए और आपकी बांह में शुद्ध रक्त नहीं पहुंच पाए, बाहों का पोषण घट जाए, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के एक हाथ मोटे पतले दिखने लग जाते हैं, दर्द होने लग जाते हैं लोगों को। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई कंधे का दर्द, हाथ का दर्द लेके आता है तो उसके कंधे या इस हाथ बांह को चेक किया जाता है, सूता से या मीटर से, इस तरह से आप इंच से उसको चेक करते हैं। तो अगर आर्टरीज का फ्लो प्रभावित है तो ऐसे कंडीशन में हाथों की आर्टरीज का जो पॉइंट है वो है LU7, इसको टोन करने से फिर से वहां पे ब्लड का फ्लो मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा हाथ की नर्व के पॉइंट देखें तो हाथ के नर्व के पॉइंट है SI7, तो ये अपर आप एक्सट्रीमिटीज की बात कर रहे हैं, तो आप अगर दोनों हाथ के नर्व की प्रॉब्लम है तो ऐसे कंडीशन में SI7 पॉइंट को ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आर्म्स मसल्स टेंडन्स, यानी बाहों की मांसपेशियां और पुट्ठे की बात कर रहे हैं, तो इसमें शिथिलता जब आ जाए यानी ये बिल्कुल झूलने लग जाए तो ऐसे कंडीशन में SI9 पॉइंट्स को आप ट्रीटमेंट में टोन करते हैं, यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर से वहां के मसल्स और टेंडन्स में टोन आ जाती है, वहाँ के जो शिथिल हो गया, जो लटकने लग गए, ऐसे कंडीशन में वहाँ की टोन आ जाती है, फिर वो धीरे धीरे
मसल्स टेंडन्स वगैरह ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपने आर्टरीज का देखा हाथ की, तो उसके अलावा हाथ की वेंस का, आर्म के वेंस का पॉइंट देखें तो हाथ के वेनस फ्लो का पॉइंट है LU8, तो आपका वेनस फ्लो प्रभावित हो तो भी आपके हाथों में तरह तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ब्लड आपके हाथ से वापस आपके हृदय तक नहीं जा पाता है, तो आपके वेनस फ्लो में कंजेशन आ गया, उसके लिए आप LU8 पॉइंट को टोन करें, तो ऐसे कंडीशन में आपका हाथ के वेनस फ्लो ठीक हो सकते हैं। हाथ के बोन की बात करें, बाहों के हड्डियों की बात करें, तो लिखा है बाहों की हड्डियां कमजोर हो जाती है पोषण जब ये पूरा ना पाती, तो इसका मतलब है कि इसका जो पोषण है, जो सप्लाई है, वो आपके स्पाइन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पॉइंट है आपका बोन का, वो है UV11, बोन मीटिंग पॉइंट भी है। इस पॉइंट को लगाने से आपके बोनी सिस्टम आपके हाथों के ठीक हो सकते हैं, पूरे शरीर के ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा सूंघने की शक्ति घट जाती है, बुढ़ापा व्यक्ति को आता है तो ऐसे कंडीशन में सूंघने की शक्ति घट जाती है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, सर्दी में भी और साइनस में भी सूंघने की शक्ति घट जाती है। तो चाहे उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे उनको सर्दी या साइनस की वजह से सूंघने की शक्ति कम हो गई हो, उन दोनों ही कंडीशन में आपका बेस्ट पॉइंट है UV2-1। इनको सिडेट करते हैं तो आपको लोकेशन भी दिख रहा होगा इसका, तो इससे सूंघने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है। शरीर में एलर्जी कहीं हो तो अपने पास एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन है और उसका CMP पॉइंट है AD1B। इस पॉइंट को सिडेट करते हैं तो सभी प्रकार की एलर्जी को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक कोलाइटिस, यानी आपकी आंतों में अगर एलर्जी हो किसी प्रकार का, तो ऐसे कंडीशन में AD1, तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर वॉल का जब पॉइंट यूज करते हैं तो नीचे के भाग के लिए 1, बीच वाले भाग के लिए 2 और फिर ऊपर वाले भाग के लिए 3। तो देखिए आपके आंते की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें AD1 पॉइंट को आप सिडेट करते हैं तो आंतों की एलर्जी ठीक हो सकती है। इसके अलावा एलर्जिक गैस्ट्रोपी, एलर्जी अमाशय से जनित बता रहे हैं, इसमें एलर्जी अमाशय की जब हो जाती, यह एलर्जन तब हो जाती है, गैस, अपच, मिचली, इन सभी कंडीशन में ये सिम्टम आने लग जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप AD1 पॉइंट को सिडेट करते हैं तो इन सभी चीजों से आपको आराम मिलता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई एलर्जी हो, वहां पे जलन हो, खुजली हो, इन सभी चीजों में आप AD1 पॉइंट को आप सिडेट करते हैं तो वहां की एलर्जी को आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में एलर्जी हो, शरीर के नीचे वाले हिस्से में एलर्जी हो, तो भी आप नीचे वाले हिस्से में वो सभी चीजें आ जाती हैं आपकी, आपके जेनाइटल एरिया के नीचे का चर्म जो स्किन है, वहाँ आपके इंटेस्टाइन है, आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट हैं, उन सभी के एलर्जी के लिए आप AD1 पॉइंट को ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप CMP पॉइंट, आप लोगों ने देखा AD1 भी, उसको भी साथ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके धमनी में, यानी जो आपकी आर्टरीज है, उसमें ब्लॉकेज आ जाए, उसमें रुकावट आ जाए, तो इसको आर्टेरियल स्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, इसमें लिखा है सेरेब्रल इस्केमिया हो जाता है, हाइपरटेंशन और लॉस ऑफ मेंटल फंक्शन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन और आपके दिमाग का फंक्शन जो है, मेंटल फंक्शन, वो कम होने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में AD1C पॉइंट को सिडेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि मस्तिष्क में जो रक्त की रुकावट है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, मस्तिष्क की क्रिया जो कम हो गई वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लग जाती है। तो AD1C से आप आर्टेरियल स्क्लेरोसिस को ठीक कर सकते हैं। एलर्जिक अस्थमा की बात करें तो, एलर्जिक अस्थमा की बात करें तो ये आपके, देखिए आपका डायफ्राम के ऊपर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे AD2 नंबर पॉइंट हम लोग यूज करेंगे, तो वो सभी प्रकार की एलर्जी, चाहे वो धुएं से हो, मिट्टी से हो, या परागकण से हो, किसी प्रकार की हो, उनको आप AD2 पॉइंट सेट करके धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। तो देखिए आपके हाथ, श्वास नली, श्वास तंत्र, हृदय, गला, बांह, गर्दन, इन सभी चीजों का, पीठ, छाती, इन सभी चीजों की एलर्जी को आप AD2 से ठीक कर सकते हैं। एलर्जी ऑफ हेड एंड फेस, तो आपके चेहरे की, आपके फेस की एलर्जी, आपके सिर की एलर्जी, उन सभी कंडीशन में आप AD3 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। देखिए आपको लिखा हुआ है काफी सारी चीजें कि हे फीवर हो, राइनाइटिस हो, माइग्रेन हो, आंखों की एलर्जी हो, ओरल कैविटी, हेयर की एलर्जी हो, तो ये सभी प्रकार की एलर्जी आप ठीक कर सकते हैं, हेड रीजन की, आपके फेस रीजन की। इसके अलावा एक्जिलरी लिम्फ नोड, कांख की लसिका में भयंकर, वहाँ पे लिम्फ नोड में, गांठ में अगर कुछ, किसी प्रकार की गांठ बन जाती, सूजन आ जाती है, दर्द होने लग जाती है, तो उसके लिए LY10A पॉइंट अपने लोगों ने देखा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था GB40 पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट हम लोगों ने देखा था उसका, अभी जो हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने देखा था एक पॉइंट। तो देखिए काफी सारे पॉइंट हम लोगों को मिलते जा रहे हैं किस चीजों के लिए। इसके अलावा ग्रंथि अवरोध, तो देखिए अवरोध पिट्यूटरी थायराइड आदि ग्रंथों में हो जाता है, यानी जो आपके ग्लैंड है वहां पे भी इस तरह के नोड बन जाते हैं यहाँ वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में ये नॉन कैंसरस होते हैं, इनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये प्रभावित करते हैं उस ऑर्गन के या उस पार्ट के फंक्शन को, उस ग्लैंड के फंक्शन को।
तो ये एपिथेलियल सेल का ये आवूर्ण देह गांठ है। तो ऐसे कंडीशन में फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन का फाइब्रॉइड D1B इस पॉइंट को सिडेट करने से ये ठीक हो जाएगा। एलर्जी इरिटेशन ऑफ ज्वाइंट, तो एलर्जी के कारण जोड़ों में आने वाला क्षोभ, तो किसी प्रकार की एलर्जी जब हो जाती है उसकी वजह से आपके जोड़ जोड़ प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में JD ज्वाइंट डिजनरेशन मेरिडियन का JD1A पॉइंट को सिडेट करने से ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा आपकी रक्त वाहिका जो है उसमें बनने वाली कोई गांठ, तो देखिए आवूर्त रक्त वाहिनियों में जब बन जाता, लसिका वाहिनियों में जब बनती, खास करके लिम्फ वाला जो चैनल है उन चैनल में जब बन जाता, और ये जो गांठ बनता है ये नॉन कंसेस होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी फाइब्रॉइड डिजनरेशन मेरिडियन का 1B पॉइंट जो CMP पॉइंट है इसको सिडेट करने से इसको हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करना, यानी कहने का ये मतलब है आप जो भी खा रहे हैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होना है, फिर उसका प्रोसेस आगे की ओर जाता है। अगर ये चीजें नहीं हो पा रही है, आंतों का नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये चीजें कंट्रोल होती हैं, अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, आंतों का जो मूवमेंट है वो प्रभावित हो जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को ठीक करने के लिए TW1D पॉइंट को ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, इसको टोन करते हैं। तो इंट्रिक नर्व सिस्टम का ये उपचार है, यानी कहने का ये मतलब है इंटेस्टाइन को ब्रेन से जोड़ने का ये काम है। कहने का ये मतलब है ब्रेन ही कंट्रोलर है, ब्रेन के माध्यम से सारी चीजें होती हैं, तो ये कंट्रोलर है, वो सारी की सारी चीजें फिर से होने लग जाएंगी। तो TW1D को टोन करते हैं तो फिर वो चीजें ठीक हो जाती हैं। पैरास्टलेटिक मूवमेंट, लहर जैसी गति पैदा कर स्नायु तंत्र भोजन को आमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर भेजना, तो ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं, और इन प्रोसेस के दौरान, इन मूवमेंट के दौरान ही चीजें एब्जॉर्ब होती हैं शरीर में, तो वो सारी की सारी चीजें ये होने लगेंगी। इसके अलावा एसिड बेस रेशियो की बात करें इन कॉलन में, बड़ी अम्ल आंत में अम्ल क्षार का अनुपात, तो वहां पर अगर ये गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे ये एसिटिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, कॉपर कोबाल्ट की मात्रा अधिकता की वजह से ऐसा होता है, यानी अगर आपके शरीर में कॉपर और कोबाल्ट की मात्रा बढ़ जाए, ऐसे कंडीशन में आपका pH लेवल जो है वहाँ इंटेस्टाइन में गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपके कॉलन में, आपके इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाएगा, और उन अल्सर का उपचार करने के लिए, वहाँ के अम्ल पित्त को बैलेंस करने के लिए आपका पॉइंट है LI1A। इस पॉइंट को सिडेट करने से अगर वहाँ अल्सर हो गया है इनकी वजह से, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। कॉपर कोबाल्ट की मात्रा बढ़ गई है, उसको भी आप ठीक करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए भी इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं LI1A। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड का स्पेसिफिक बिंदु है TW1, आपका प्रमुख उपचार बिंदु है। एड्रिनल के स्राव जब घट जाते, हम लोगों को पता है एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड है, और बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज यहाँ से होता है, बहुत सारा काम है इसका। तो इस पॉइंट से जब इसका स्राव कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में TW1 पॉइंट को टोन करते हैं तो फिर से इसका स्राव नियमित होने लग जाता है। अपेंडिक्साइटिस के लिए हम लोगों ने पढ़ा आगे, उसमें ST 37 पॉइंट पड़ा हम लोगों ने, ST 36 बाय हाफ भी पॉइंट है उसका। इसके अलावा देखिए यहाँ LI4A डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, जिसको हम लोग मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं, उस पॉइंट पे प्रदाह हो जाती है, इसको चेक करने का पॉइंट है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे नाभि के 4 अंगुल नीचे थोड़ा दाहिनी तरफ अपेंडिक्स होती है, और यहाँ पर उंगली से दबाने से भयंकर दर्द होता है, तो इससे पता चलता है अपेंडिक्स हुई है, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट पॉइंट है आपका LI4A, इसको राइट साइड में सिडेट करें तो ये आपका अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा आर्टरीज ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, तो आपके हाथ की बांह की धमनियों का ये पॉइंट हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि इसके आर्टरीज का ये पॉइंट है, अगर वहाँ स्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, वहाँ पे ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में LU7 को टोन करेंगे तो फिर से रक्त का सप्लाई वहाँ पहुँचने लगेगा। इसके अलावा ऑर्टिक वाल्व एफिशिएंसी, इनसफिशियंसी, तो आपके जो ऑर्टिक वाल्व है उसमें अगर कमजोरी आ जाए, अगर वो कमजोर हो जाए, ऐसे कंडीशन में रोगी बेहोश होने लग जाता है, कार्डियक पेन उसको हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में H9 पॉइंट को लेफ्ट साइड में टोन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अपना ये वाल्व जो है वो मजबूत हो जाता है। तो देखिए क्यों होता है, जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो ब्लड इसी ओरटा के माध्यम से पूरे शरीर पे जाता है, तो ये वाल्व ब्लड पंप करने के बाद ये वाल्व बंद हो जाता है, तो ब्लड पूरी बॉडी पे जाता है। लेकिन ये बल्ब अगर अपना कमजोर होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वो ब्लड वापस फिर से अपने वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी ब्लड सब जगह पहुंच नहीं पाएगा, ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में रोगी बेहोश होने लग जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उस बल्ब को हम लोग मजबूत कर दें, ब्लड जो बाहर पंप करके जा रहा है बॉडी पे वापस नहीं आए, और इसको हम लोग जानते हैं रीगर्जिटेशन के नाम से, बीमारी का नाम रीगर्जिटेशन, यानी रिपोर्ट में लिखा आएगा ऑर्टिक बल्ब यानी AV रीगर्जिटेशन,
आपको समझ जाना चाहिए ऑर्टिक बल्ब इनका कमजोर हो गया है, ब्लड पंप होके वापस आ जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में आप लेफ्ट साइड में H9 को टोन कर दें तो ऑर्टिक बल्ब आपका मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा एक्जिलरी लिम्फ नोड की बात कर रहे हैं, कांख की लसिका गुंडी की बात कर रहे हैं, तो कांख के लिम्फ नोड के कई पॉइंट हम लोगों ने देखे अभी। LY10A देखा हम लोगों ने, GB का 14 नंबर पॉइंट देखा, GB40। इसके अलावा देखिए एक्जिलरी लिम्फ नोड का सी सर्कुलेशन मेरिडियन का CI1A भी पॉइंट है, तो CI1A को भी आप लिम्फ नोड में खास करके एक्जिला रीजन वाले लिम्फ नोड के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके शरीर में अगर एबनॉर्मल तरीके से रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाए, असामान्य वृद्धि होने लग जाए लाल रक्त कणों की, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं कि जो अपनी चलनी है, ये चलनी लगी होती है स्प्लीन में और वहां से ब्लड ये फिल्टर भी होते हैं, वहाँ सभी ब्लड वेसल्स की जितने भी ब्लड के सेल्स हैं उनकी निगरानी होती है कि ब्लड सेल्स के शेप और साइज ठीक तो हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब वो छलनी के छिद्र बड़े हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में छानने का काम ठीक से नहीं हो पाता है और हमारे ब्लड में असामान्य तरीके से लाल रक्त कण जो है वो बड़े भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं, जिसको हम लोग RDW के नाम से जानते हैं, रेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन विथ इस नाम से जानते हैं हम लोग। रिपोर्ट में हम लोगों को मिलता है कि बढ़ा हुआ दिखता है, इसका मतलब अपने लाल रक्त के कणों की संख्या साइज सभी बढ़ गए हैं, तो ये एबनॉर्मलिटी है। अगर इस तरह की अगर अभी वृद्धि हो रही है असामान्य, तो ऐसे कंडीशन में SP3 को हम सिडेट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारी छन्नी है जो ब्लड के सेल्स का नियंत्रक है उनको वो ठीक ठाक वो वॉच करती है और फिर वॉच करने के बाद जो सेल बड़े हो जाते हैं या पार कर जाते हैं उनको फिर से वहां पे उस ग्रेवयार्ड में मार के समाप्त कर दिया जाता है। फिर हमारे ब्लड में ब्लड वेसल्स में सारे के सारे ब्लड सेल्स सामान्य उसकी सेफ साइज में दिखने लगती है रिपोर्ट में। एबनॉर्मल डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स, तो आपके शरीर में अगर एबनॉर्मल तरीके से अगर ये ब्लड सेल्स कम होने लग जाए, बहुत वो होने लग जाए, तो देखिए यहाँ लिखा है सीरा नाल के छलनी के छिद्र जब छोटे हो जाते हैं तो छानने का काम तब बहुत घट जाता है। तो जब बहुत घट जाएगा तो जो सामान्य जो ब्लड सेल्स का शेप और साइज है वो भी पार नहीं हो पाएगा, ऐसे कंडीशन में क्या है तो हमारे शरीर में लाल रक्त कण घट जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें SP3 पॉइंट को टोन करना चाहिए। इसके अलावा एमेलॉयडेसिस यानी श्वेत सारिका प्रोटीन का एकत्रीकरण, तो श्वेत सारिका प्रोटीन एकत्रीकरण पैरों बाहों इन सभी जगहों पर अगर होती है, तो ऐसे कंडीशन में RE सिस्टम जिसको हम लोग रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम की बात करते हैं उसकी कमजोरी की वजह से हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स इस तरह से हो जाते हैं। इसमें तो ऐसे कंडीशन में हम लोग SP4 पॉइंट को सिडेट करते हैं और उससे इसको ठीक करते हैं। खास करके इसको समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग बोलते हैं गांठ, हम नाम भूल रहे हैं उसका, जैसे चर्बी की गांठ हो जाती है, लाइपोमा जैसी कंडीशन जो बोलते हैं, फाइब्रॉइड लाइपोमा, सर लाइपोमा, यूरिन लाइपोमा, लाइपोमा, अच्छा लाइफ लाइपोमा जैसा कंडीशन हो जाती है ना, जगह जगह उस तरह की एकत्र हो जाती है, तो उसी टाइप का यहाँ पे प्रोटीन एकत्र हो जाता है। ये भी गांठ ही है लेकिन प्रोटीन की गांठ है, तो तो ऐसे सर कैसे कंडीशन में पता आप लगेगा एसपी कि फोर प्रोटीन की गांठ है या फाइबर की है? उसको टच करने से, जैसे आप टच करेंगे ना तो जैसे फैट वाली जो होगी चर्बी वाली वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, और प्रोटीन अच्छा वाली थोड़ी सी टाइट होगी, उसमें प्रोटीन वाली ओ थोड़ी सी टाइट होगी, गांठ जैसे आप टच करेंगे तो थोड़ा टाइट सा लगेगा। सर यही सर यूरिक एसिड होता है, सर यूरिक एसिड भी यही यूरिक होता है एसिड, सर? हाँ यूरिक एसिड की वजह से कर सकते हैं, वही एकत्र हो जा रहा है ना यहाँ पे, प्रोटीन एकत्र हो जा रहा है तो यूरिक एसिड का ही तो पार्ट है वो। इसके अलावा सर देखिए कहीं पॉइंट नंबर भी थर्टी बॉडी फाइव में, सर कहीं भी हम बॉडी लोग में यूरिक बात करते एसिड हैं क्लास इस पॉइंट। क्लास क्लास के बाद बात करते हैं बहुत सारा टॉपिक से, उसके बाद बात ठीक है करते सर। हैं जी। इसके अलावा एचलीसिया ऑफ कार्डिया है, तो इसमें आमाशय के द्वार की शिथिलता है, कहने का ये मतलब है कि ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग जो आपके खाने की नली है जिसको हम लोग भोजन नली कहते हैं, उसमें एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से ये पैरालिसिस टाइप की कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में भोजन आमाशय में जा नहीं पाता है, अगर यहाँ से दे भी दें तो मुंह में अटक जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसकी वजह कारण होता है कि जो ये कार्डिया वाला एरिया होता है स्टमक का, वहाँ की शिथिलता हो जाती है वहाँ के मसल्स में, तो वो मूवमेंट नहीं हो पाती, जो मूवमेंट होने की वजह से धीरे 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 भोजन आगे बढ़ती है फूड पाइप में वो बढ़ नहीं पाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है वहाँ की मसल्स जब टोन मसल्स टोन गड़बड़ हो जाती है वहाँ की, तो जैसे पैरालिटिक मूवमेंट है तो कहीं फूल रहा है कहीं पिचक रहा है, ऐसे कंडीशन में भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो हो नहीं पाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है इसको बोलते हैं एचलीसिया ऑफ कार्डिया, तो ऐसे कंडीशन में ST43 पॉइंट को सिडेट करने से फिर धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। सर तो बहुत बार ये इस तरह के जीपीएफ पेशेंट पॉइंट मिलेंगे, और उनसे भी ठीक हो जाता है? हाँ कई सारे पॉइंट हैं इसके और भी पॉइंट हैं इसके, ओके उसके माध्यम से भी देख सकते हैं आप।
देखिए ऐसे पेशेंट आपको ज्यादातर जो मिलेंगे ना वो आपके पास नहीं आते, हमारे पास नहीं आते, वो सीधा एलोपैथ सिस्टम में जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि इधर का मुंह का द्वार बंद करके, मतलब मुंह से खाना बंद करके पाइप लगा देते हैं इधर पेट में, डायरेक्ट स्टमक में। तो वो शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं और रोगी को काफी सारी तकलीफों का सामना अरे करना पड़ता छोटा है। बच्चा लेकिन है, 12-15 साल, 12 साल, हम लोग ग्यारह बाद में बात बारह करते हैं साल मैम, क्लास के बाद, क्लास के बाद बात करते हैं हम लोग, समय बचेगा, हम लोग क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एनल स्पिंचर है आपका, जो मल द्वार है उसके संकोची, देखिए मल द्वार का खुला रह जाता है, रोगी मल को रोक नहीं पाता है। तो देखिए हमारे कंट्रोल में होता है, कुछ द्वार है अपना जो अपने कंट्रोल में होता है, तो अगर हम चाहें तभी मल को पास करते हैं या तो फिर रोक के रखते हैं। तो जब वो कमजोर हो जाए, पूरी तरह से बंद नहीं हो पाए, इसका मतलब वहां के दरवाजे जो है कमजोर हो गए, तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है उस द्वार के जो आपके एनल स्पिंचर है K4, खास करके बूढ़े लोगों में ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इसकी। इस द्वार को आप टोनिफिकेशन कर दें, यानी K4 को टोन कर दें, तो ऐसे कंडीशन में बैगी व्यक्ति का मल रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत लोगों का ये हाइपर कंडीशन हो जाता है, मल द्वार बंद हो जाता है, रोगी मल को सही से बाहर नहीं निकाल पाता, या फिर उस जगह पे एनल वाले भाग में जहाँ पे ये द्वार है उस जगह पे सूजन हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी उनको कब्ज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसी पॉइंट को यहाँ पे सीडेट करना है। अगर यहाँ हाइपर कंडीशन है सीडेट कर दें, अगर वहां डेफिशिएंसी पैटर्न दिख रहा है कि रोक नहीं पा रहा है, लगा और रास्ते में हो गया जाते जाते, तो आपको यहाँ पे टोन करना चाहिए। इसके अलावा एनल फिशर्स की बात करें तो ये भी बिगड़ा हुआ रूप है आपके पाइल्स का, तो पाइल्स आपका फिशर फिस्टुला इस तरह से रूप में चेंजेस होते जाता है, तो आपका ये फिशर्स बिल्कुल दरार दरार जैसे पड़ जाती है, वहां से पानी पस जैसा स्राव होने लग जाता है। ऐसे कंडीशन में किडनी का K5 नंबर पॉइंट सीडेट करें तो धीरे 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 वहां का जलन प्रदाह, वो पस निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक हो जाता है धीरे धीरे। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर की बात करें, ब्रेन में ट्यूमर किसी प्रकार का हो जाता तो इसके लिए हम लोगों के पास ऑर्गन प्रेंकाइम ऑर्गन OR मेरेडियन अपने पास, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग OR 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, जो कि आपके ब्रेन में अगर किसी प्रकार की रुकावट है, इसको डिम्प लिम्फ का भी पॉइंट बोलते हैं हम लोग, तो इस पॉइंट को सिडेशन करने से आपके ब्रेन में जो भी चीजें रुकी हुई हैं, डिप लिम्फ क्लीनिंग सिस्टम ये जो काम करने लग जाता है और वहां से उस चीजों को निकालने का ये काम करती है। तो ब्रेन के ट्यूमर किसी प्रकार का, ब्रेन में किसी भाग में हो, उसको ठीक कर सकते हैं आप इस पॉइंट से। इसके अलावा ब्रेन डिजेनरेशन, मस्तिष्क का अगर डिजेनरेशन हो रहा हो व्यक्ति का, ब्रेन काफी सारी चीजें हो रही हो बुढ़ापे की, बिचिप्ती, बिचिप्ती का मतलब है कि चीजों को समझ नहीं पाना, बोल नहीं पाना, या बोल रहे तो कुछ और बोलना, चिल्लाना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो बुढ़ापे की बिचिप्ती है, उन सभी कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि ब्रेन का डिजनरेशन हो रहा है, व्यक्ति के एज के साथ सोचने समझने की क्षमता घट रही है। ऐसे कंडीशन में हम लोग वहाँ पे नर्व डिजनरेशन के पॉइंट ND3 को टोन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में धीरे 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 उनकी बिचप्ती कम होने लगती है, व्यक्ति सामान्य होने लगता है। इसके अलावा ब्रेन ब्लड क्लॉट, तो मस्तिष्क में रक्त का थक्का, तो ये हम लोग जानते हैं जो हेमरेज की कंडीशन होती है, तो ऐसे कंडीशन में क्लॉट बन जाता है ब्रेन में, और फिर जिस एरिया में ये क्लॉट बनती है, फिर आगे का सप्लाई जहाँ पे नहीं जा रहा है, और जिस जिस एरिया में ब्रेन में ये प्रभावित होती है, उस जगह का फंक्शन हमारे ब्रेन का प्रभावित हो जाता है। और हम लोग जानते हैं ब्रेन में अपने पूरी बॉडी के अलग अलग सेंटर हैं, हाथ पैर के, तो जिस जगह पे ये क्लॉट बनेगा, आगे का ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, वहाँ के सेल डैमेज होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि नर्व के सेल दोबारा बनते नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि उस जगह पे ब्रेन का या शरीर का वो भाग निष्क्रिय हो जाता है, काम नहीं करता, पता नहीं चलता है उसमें, तो उसके लिए भी आप OR 3 पॉइंट को लगाते हैं, तो ये वहां से उस चीजों को क्लीनिंग करता है, OR 3 को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा ब्रेन कैंसर हो, प्री स्टेज कैंसर हो, यानी स्टार्टिंग है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप OR 3 सिलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत आगे बढ़ गया तो फिर उसका उपचार देखना पड़ेगा, इसके साथ और पॉइंट्स को भी आपको उपचार में यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा ब्रेन में स्वेलिंग हो, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, यानी जल की रुकावट, तो ब्रेन में जल CSF के रूप में होती है, ऐसे कंडीशन में किसी प्रकार का क्लीनिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो, हम लोगों ने और भी पॉइंट देखा था हम लोगों ने, कैवर्नस साइनस वगैरह का, उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा OR 3, तो देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप ब्रेन की क्लीनिंग के लिए बेस्ट पॉइंट है। अगर सूजन है या गांठ है या किसी प्रकार का आबुर्द है वहाँ नहीं भी है, तो भी आप इस पॉइंट को लगा सकते हैं अपने ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। सर, इसके ये अलावा मेनिनजाइटिस है बिना क्या? सर ये मेनिनजाइटिस नहीं नहीं कहलाती है? नहीं नहीं अच्छा नहीं मेनिनजाइटिस अलग चीज हो गई, जैसे तेज फीवर होती है ना, तो उसमें ब्रेन की मेनिंजेस डैमेज हो जाती है, इंसेफ्लाइटिस या इस तरह से कुछ उसको कुछ बोलते हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। उसमें मतलब ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, छोटे बच्चों में देखेंगे, बहुत सारे बच्चे इस तरह से
सीएसएफ का ड्रेनेज जो है वो प्रभावित हो जाता है, जो ओके निकलना चाहिए सीएसएफ ना वो निकल नहीं पाती है, उसकी वजह से ये बिल्कुल सूजन हो जाता है और फिर डॉक्टर उसको निकालते हैं सीएसएफ को अलग से। इसके अलावा बेनाइन फाइब्रॉइड्स हैं, शरीर में गांठ बन जाती हैं, तो बेनाइन जो गांठ होती है वो नॉन कैंसरस होती है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है होना है आपको। ये फाइबर की गांठें होती है फाइबर की, तो ऐसे कंडीशन में अपने पास फाइबर डिजनरेशन मेरिडियन के पॉइंट्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में फाइब्रॉइड D1 पॉइंट को सीडेट करने से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी बॉयल्स हो, फोड़े फुंसी हो, बहुत ज्यादा निकल रहे हो बार बार, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मानते हैं कि शरीर में गंदगी रुकती है तभी ये चीजें बाहर निकलती हैं, फोड़े फुंसी। तो ऐसे कंडीशन में लिम्फ वेसल्स को हम लोग मेंटेन करने के लिए लिम्फ के पॉइंट को यूज करते हैं। इसके अलावा स्किन मेरिडियन का SK1-1 जो कि स्किन का लिम्फ वेसल्स का ये पॉइंट है, इसको सीडेट करने से आपके फोड़े बॉयल्स वगैरह जो निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं निकलना, यानी जो भी चीजें स्किन के नीचे रुक रही हैं गंदगी उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है यानी पाचन पथ है उसमें रगड़ से रक्तस्राव होने लग जाता है, यानी वहां की जो मेम्ब्रेन है दीवाल है उसमें किसी प्रकार से कट लग जाए या वहां रक्तस्राव होने लग जाए, सेरस कोटिंग हटने लग जाए, ऐसे कंडीशन में Li3A पॉइंट को टोन करने से फिर से वो दीवार आपकी मेंटेन हो जाती है और फिर धीरे 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 करके वो ठीक हो जाता है, रक्तस्राव बंद हो जाता है। इसके अलावा ब्लीडिंग रक्तस्राव आपके शरीर में कहीं भी हो, तो देखिए माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म रक्तस्राव शरीर में जब हो रहा हो या फिर अति ज्यादा भी हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन, मैक्रो और माइक्रो दोनों ही कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उन दोनों ही कंडीशन में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा हो तो SP6 बेस्ट पॉइंट है, इसको टॉनिफिकेशन करके लगा दीजिए आप। इसके अलावा ब्लड कैंसर की बात करें, पूर्व स्टेज की बात कर रहे हैं इसमें, तो ये श्वेत रक्त कण ऐसे कंडीशन में बढ़ते हैं, इसमें जो अपने WBC वाले सेल हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम और टेस्ट कराते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये ब्लड कैंसर का प्री स्टेज है, ल्यूकेमिया वाली कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में SI1 पॉइंट को सेडेशन करने से ये ठीक हो सकती है अगर स्टार्टिंग में है तो। इसके अलावा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का भी हम लोगों ने पॉइंट अभी देखा था, फिर डॉक्टर वॉल का देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि अगर आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, कैंसर या रुकावट श्वास नलियों में हो जा रही है, उन दोनों ही कंडीशन में आप LU10A पॉइंट को सेडेट कर देते हैं, तो वहां पे जो भी चीजें हैं चाहे कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस ग्रोथ हो या किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो, LU10A डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, इसको सेडेट करने से आप उसको ठीक कर सकते हो। इसके अलावा बाइल कंजेशन है, तो बाइल कंजेशन जब हो जाता है तो पित्त का स्राव घट जाता है, हम लोग जानते हैं पित्त का काम अपने शरीर में बहुत बड़ा रोल है उसका, वो एसिटिक माहौल और एसिटिक वातावरण को एल्कलाइन करने में मदद करती है, तभी हमारे शरीर में डाइजेशन का पूरा काम हो पाता है। तो पित्त का स्राव कम हो जाए तो हमारे पाचन की चीजें जो है पाचन की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो जाती है, कम हो जाती है, तो व्यक्ति को कब्ज हो जाता है, पाचन घट जाता है, ऐसे कंडीशन में Li3 को सेडेट करते हैं, तो जो कंजेशन है बाइल के स्राव में वो दूर हो जाता है और फिर व्यक्ति का पाचन भी ठीक हो जाता है, कब्ज भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा बोन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोगों ने देखा था, एक तो UV11 पॉइंट देखा था और पूरे शरीर के बोन का जो पॉइंट है वो है UV12 भी आपका पॉइंट है, तो बोन की TB हो जाए तो ऐसे कंडीशन में UV12 पॉइंट को टोन करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है UV12 इज SMP फॉर बोन सिस्टम होल बॉडी, तो डॉक्टर बॉल ने इसको बताया कि UV12 जो है ये आपके पूरे शरीर के बोन का SMP पॉइंट है, तो आपके बोन का ये मेंटेन करने का पॉइंट है। इसके अलावा कार्डियक यानी आपके हृदय सर की ये गति, आकृति आप पिछला वाला सर ये आकृति का क्या दिखाया है ये सर ये पिछला वाला मतलब ये है ना जो आपका बोन है वो आपके शरीर को क्या करता है, आकृति प्रदान करता है ना, तो सर आकृति प्रदान आकृति तो करता ऑलरेडी है यानी बनी हुई स्ट्रक्चर। होती है हाँ, वही बात बोल रहे हैं, बोन की आकृति आपके शरीर को आकृति प्रदान करता है, तो बोन से रिलेटेड अगर कोई डिफॉर्मिटी हो, मान के चलिए आपका हाथ का बोन है, पैर का बोन है, आपके जबड़े का बोन है, इसमें कोई डिफॉर्मिटी हो जाए या फिर बच्चे की हाइट भी नहीं बढ़ रहा, तो SMP पॉइंट का मतलब ये है कि ये उस टिश्यू का पॉइंट है, बोन के टिश्यू का पॉइंट है ये, तो जैसे जिसकी हाइट वगैरह भी नहीं बढ़ रही हो वैसे कंडीशन में भी आप उनको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप कई सारी ओके चीजों में सर ये थैंक काम करेगा। यू सर थैंक यू तो हृदय की गति आपके ऐसे नोड से जो है कंट्रोल होती है, लेकिन जब ऐसे नोड हाइपर एक्टिव हो जाए तो देखिए ये कंट्रोलिंग है, और ऐसे नोड हमारे स्पाइनल सिस्टम से होते हुए ब्रेन से जुड़ा हुआ है और यही हृदय की गति को कंट्रोल करता है, तो यही नोड की गति जब हाइपर एक्टिव हो जाए तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, तो उस गति को बैलेंस करने के लिए अगर गति बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो H6A
राइट साइड में इस पॉइंट को लगा दें, क्योंकि ऐसे नोड हार्ट में राइट साइड है, ऐसे कंडीशन में हम लोग राइट साइड में इसको ट्रीटमेंट में यूज करते हैं H6A, तो ऐसे कंडीशन में हृदय की गति ठीक हो जाती है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इस पॉइंट पे आप सीड लगा दें, कोई मटर या चना का सीड लगा दें। देखिए यहाँ पे लिखा हाइपोएक्टिव हो अगर इस नोड की गति, यहाँ पे एनर्जी, तो ऐसे कंडीशन में हृदय की गति घट जाती है, तो वहां पे हम लोग टोन कर दें। और अगर फ्लैक्चुएट कर रहा है, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, तो आप वहां को सीड ही यूज करना चाहिए आपको। सर इनकी और ये लोकेशन में पॉइंट बहुत दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे H6 है ना, H7 आपका यहाँ पे है ना, इस जगह पे है आपके कलाई के जोड़ के पास, वहां से थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो आपको हम कभी इसमें दिख रहा होगा आपको, देखिए चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए आपका जो मेटाकार्पल बोन है, मेटाकार्पल बोन के बाद जो 6-7 बोन होती है आप में, उस बोन को टच करते हुए जाएंगे इन साइड में, तो आपको बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा साइड में टच करेंगे तो इसी जगह पे, इस पॉइंट पे आपको पेन भी मिलेगा। तो थोड़ा सामने से इसको बताया जा सकता है, इस पे बहुत अधिक तो नहीं बता सकते, इसमें पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन आप बोन को जी टच सर, करते हुए जाएंगे थोड़ा नीचे तो आपको पता चल जाएगा, इस बोन को टच ये करेंगे तो। LY4 जो है आप उसके देखिए, पास आप देखिए में यहीं है। पे, नहीं, आप पीछे साइड मत देखिए, इन साइड में देखिए, आगे की तरफ ओके आंख ओके में, ओके आगे की तरफ ओके देखिए, ठीक पीछे की तरफ मत देखिए। H6 से ठीक हार्ट के सर मेरिडियन ठीक इन है। मेरिडियन है ना, तो यस 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 आप देखिए इसी जगह से फिर आपकी रेडियल और अल्नर बोन भी है, उसी जगह पे इस पॉइंट की लोकेशन है, आप टच करेंगे आपको पता चलेगा, बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। इसके अलावा देखिए, रक्त के जमने में कोई गड़बड़ी हो तो एक टेस्ट होता है हम लोगों के पास, BT और CT बोलते हैं, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। तो अपने शरीर में ब्लड जब निकलता है तो एक निश्चित समय के बाद वो रक्त जम जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है, यानी ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम हम लोगों ने पढ़ा है कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए। तो अगर रक्त जमने में कोई गड़बड़ी है तो उसमें कई तरह के फैक्टर का यूज होता है, जिसमें से एक फैक्टर है विटामिन के। तो विटामिन के आपके ब्लड को जमाने का काम करती है, तो क्लॉटिंग फैक्टर जब कम बनता है, प्लेटलेट काउंट्स भी कम होने लगते हैं, जरा सा खरोच आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में ये ब्लीडिंग कंटिन्यू होने लगती है, हीमोफीलिया जैसी कंडीशन हो जाती है, बहुत लोगों को जन्मजात होती है ये। तो ऐसे कंडीशन में ब्लड को जमाने के लिए, विटामिन के को मेंटेन करने के लिए, एक तो आप डाइट जोड़ सकते हैं, इसके अलावा स्प्लीन का SP3A पॉइंट जो है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है कोगुलोपैथी का, तो SP3A पॉइंट को टोन कर दें तो ऐसे कंडीशन में प्लेटलेट काउंट भी बढ़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर का भी निर्माण होगा और विटामिन के, इन सभी चीजों में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा पैरों के सर्कुलेशन का, यानी उसका पॉइंट है ये वेस्कुलर फंक्शन ऑफ लोअर लेग्स का है आपका, लोअर पार्ट्स का, LI1A पॉइंट है, इसको टोन करने से आपके पैरों के रक्त संचरण का ये पॉइंट है। इसके अलावा बड़ी आंत में अगर आपका इन्फ्लामेशन हो जाए, प्रदाह हो जाए, तो वहां पे उसकी वजह से उसमें दर्द हो, तो ऐसे कंडीशन में उनके जो आवरण है, यानी उसका जो लेयर है, स्किन है, अंदर की दीवार है, तो उसका ये पॉइंट है LI1C, इसको सीडेट करने से वो दर्द तत्काल ठीक हो जाती है। क्योंकि कोलाइटिस में क्या होती है, बहुत ज्यादा जलन दर्द होने लग जाता है, व्यक्ति खाना खाता है उसके बाद कुछ समय के बाद जब भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो व्यक्ति को भयंकर दर्द होने लग जाता है, तो एक तरह से अल्सर जैसी कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में वहां पे LI1C पॉइंट को सिडेट करते हैं तो तत्काल दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा क्रोनिक कोलाइटिस की बात करते हैं, बड़ी आंत का जीर्ण प्रदाह, तो ऐसे कंडीशन में आप LI3 पॉइंट को टोन करते हैं तो क्रोनिक कोलाइटिस ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट ग्रंथि की अगर कैंसर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में OR1 पॉइंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कहीं भी अगर कैंसरस या कोई गांठ या किस तरह की चीजें होती हैं तो ऑर्गन ये वाला ओआर वाला चैनल का हम लोग यूज करते हैं, डॉक्टर वॉल का। इसके अलावा रेक्टम की बात कर रहे हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, इस जगह पे अगर कैंसर हो जाए या बवासीर या कब्ज बहुत लंबे समय तक रहता हो, तो ऐसे कंडीशन में गंदगी जमा होने की वजह से फिर धीरे धीरे वहाँ कैंसर जैसी कंडीशन हो जाती है, तो वहां भी हम लोग OR1 को सिडेट करेंगे। सर्वाइकल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं आपके, तो बुढ़ापा व्यक्ति को जब आता है सर्वाइकल ज्वाइंट डिजनरेट हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में उनके हाथ बांह ये सारी की सारी चीजें कमजोर हो जाती है। तो अगर ये हाथ बांह गर्दन की प्रॉब्लम हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग JD2, जिसको हम लोग ज्वाइंट डिजनरेशन मेरिडियन का पॉइंट बोलते हैं, JD2 को टोन करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल ज्वाइंट्स अपर डिजनरेशन की बात कर रहे हैं, यानी सर्वाइकल के जोड़ों में अगर कोई दिक्कत हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में चेहरे, खोपड़ी, कनपटी, जबड़े, ये सभी चीजें प्रभावित होती हैं, जो जो पार्ट वहां के नर्व से जुड़े होते हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप JD3 पॉइंट्स को टोन करते हैं तो टोन करने से पुनः ये अपना काम ठीक से करने लग जाते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल स्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं,
तो ब्रेन के सेरेब्रम में स्क्लेरोसिस जब हो जाती है, रक्त वाहिनियों में रुकावट होने लग जाती है, यानी वहां पे फैट का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में फैट डिजनरेशन का फैट डी थ्री पॉइंट को जब टोन करते हैं तो फिर वहां से वो फैट धीरे धीरे करके मेटाबॉलिज्म होकर बाहर निकल आती है वहां से। इसके अलावा क्रॉस्ड डिप्लोपिया, विपरीत तरफ की दृष्टि, कहने का ये मतलब है दाहिनी आंख की चीज बाईं आंख में जब दिखती है, बाईं आंख की चीज दाहिनी आंख में जब दिखती है, कहने का मतलब क्रॉस देखते हो, ऐसा लग रहा हो जब देखे तो इधर का आंख इधर देख रहा है और दूसरी तरफ का आंख दूसरी तरफ देख रहा हो। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर वॉल का जो पॉइंट बताया है आई ऑर्बिट मेरेडियन पे, वो पॉइंट है I3। इस पॉइंट पे चार चार बार, देखिए लिखा हुआ, चार बार एक एक मिनट दबाने से ठीक हो सकती है। तो धीरे धीरे होगा, कंटिन्यू आप बता सकते हैं इसकी लोकेशन को, पेशेंट को दिखा सकते हैं और इस पॉइंट पे आप बता सकते हैं कि इस तरह से प्रेशर देने से धीरे धीरे जो क्रॉस विजन है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, बाहरी संपर्क होने से स्किन पे कोई एलर्जी हो जाए चर्म पे, तो वो कई तरह की चीजें हो सकती हैं, साबुन से, तेल से, मेहंदी से, कॉस्मेटिक्स से। ऐसे कंडीशन में वहां पे कोई दाग धब्बा फुंसी इस तरह की चीजें बन जाती हैं, ऐसे कंडीशन में आप स्किन मेरिडियन का SK1-2 का सेडेट करने से इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा लीवर में सिस्ट बन जाए वहां पे, तो ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन हो गई और इन्फेक्शन के कंडीशन में वहां पे सिस्ट बन गई, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि लीवर की जो क्षमता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, वहां पे फैट डिपॉजिट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उसकी काम कार्य क्षमता घट जाती है और फिर वो सिस्ट का रूप बनने लग जाती है जगह जगह। ऐसे कंडीशन में वहां पे फैट डिजनरेशन का फैट D1 पॉइंट को सिडेट करते हैं, उससे वो ठीक होता है। ये आपका फैटी लीवर में भी काम करेगा फैट D1। इसके साथ साथ आप जैसे लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन में भी इसको आप स्टार्टिंग में आपका ये कंट्रोल कर सकता है ये पॉइंट। इसके अलावा सिस्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड की ग्रंथियों में अगर वहाँ सिस्ट बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे फाइब्रॉइड डिजनरेशन का D2 पॉइंट को सिडेट करते हैं, इससे आपका थायराइड ग्लैंड में जो सिस्ट बना है, वहाँ जो गांठ बना है, वो ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा क्रॉनिक कब्ज रहता है व्यक्ति को, तो OR1 पॉइंट को आप यूज करते हैं सिडेट करके। इसके साथ दो पॉइंट आप यूज कीजिए, OR1, OR1B, इन दो पॉइंट से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है व्यक्ति का। कि अगर आपको किसी प्रकार से कॉन्स्टिपेशन में आराम नहीं मिल रहा है, तो OR1, OR1B, इन दोनों पॉइंट को सेडेट कीजिए। इसके अलावा क्रेनियल नर्व आपका डिजनरेट हो जाए, तो आपके ब्रेन में जो नर्व आपके आंख, नाक, कान, इन सब चीजों पे, आपकी ज्ञान इंद्रियों पे जो गई हुई है, उसमें अगर उन चीजों में कमजोरी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग समझते हैं कि आपकी क्रेनियल नर्व कमजोर हो गई, खास करके एक एज के बाद होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्रेनियल नर्व का स्पेसिफिक पॉइंट है ND4। ND4 को टोन करने से वो सारी की सारी आपकी ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सारी की सारी चीजें आपकी फिर से काम करने लगती है ठीक से। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो गर्दन की कशेरुका में प्रदाह, तो वहां के जो वर्टिब्रा है उसमें वहां पे अगर प्रदाह हो जाए, वहां का नर्व कंप्रेस होने लग जाए, और ऐसे कंडीशन में गर्दन में दर्द और फिर वो हाथ, बांह, इन सब में जाता हो, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ समझते हैं हम लोग कि यहाँ नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, और दर्द बहुत अगर तगड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ND2 को सिडेट करते हैं। ND2 को सिडेट करने से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन डिजनरेशन, तो सर्वाइकल के स्पाइन में डिजनरेशन हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, खास करके नर्व सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ऐसे कंडीशन में दर्द में हम लोग हाथ चेक करके देखते हैं कि हाथ पतला तो नहीं पड़ रहा है, हाथ में सुन्नपन तो नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है, तो ऐसे कंडीशन में ND2 को टोन करेंगे। उसके बाद देखें, कोसिक्स लिम्फ की बात कर रहे हैं, पूंछ वाली हड्डी की लसिका की बात कर रहे हैं, तो कोसिक्स की हड्डी पर जब फोड़ा हो जाता, वहां गांठ बन जाता, व्यक्ति जब बैठता है तो उसको भयंकर दर्द होता है, बैठ नहीं पाता व्यक्ति, तो ऐसे कंडीशन में UV60A पॉइंट को सिडेट करते हैं। इसके अलावा कॉलर बोन लिम्फ नोड, तो आपके जो कॉलर बोन है, यहाँ पे कॉलर बोन के ठीक नीचे वहां पे अगर वहां की लसिका में, वहां के लिम्फ नोड में गांठ बन जाए, वहां पे पस फोड़ा, दर्द होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में LY10A पॉइंट को आप सिडेट कर दीजिए। इसके अलावा गर्दन के लिम्फ में गांठ बन जाए, तो वहां भी आप LY10B को सिडेट कर दीजिए। कैंसर ऑफ एसोफेगस, तो अन्य नली का कैंसर हो, तो ऐसे कंडीशन में देखिए लिखा है दांतों में पारा भरवाने से, तो हम लोग T4 में जब स्टमक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दांतों में पारा भरवाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो आपको कैंसर जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पारा को तत्काल निकलवा देना चाहिए, और उसके साथ साथ आप ST42A पॉइंट्स को टोनिफिकेशन करें, तो धीरे धीरे उसकी टॉक्सिसिटी को वो बाहर कर देगा शरीर से। इसके अलावा क्रॉनिक कोलेंजाइटिस, जिन पित्त नली का प्रदाह हो,
तो पित्त नली में जब प्रदाह हो जाए, पुराना हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में पित्त नली की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ऐसे कंडीशन में हम लोग GB42 इन पॉइंट को टोन करने से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो प्रोटीन की कमी हो शरीर में, तो प्रोटीन के लिए डॉक्टर वॉल ने स्पेसिफिक चैनल दे दिया है अपने पास, जिसको हम लोग पेनक्रियाज मेरिडियंस के नाम से जानते हैं। तो उसमें PN1 पॉइंट्स को टोन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो सारी की सारी चीजें हमारे शरीर में बनने लग जाती हैं, और जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे क्लोटिंग फैक्टर हो, सभी चीजें प्रोटीन से बनी है, हमारे सेल्स प्रोटीन से बने हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इससे मेंटेन कर सकते हैं PN1 से। इसके अलावा डिपॉजिट ऑफ फैट्स, तो आपके शरीर में अगर चर्बी एकत्र हो रहा है, बहुत ज्यादा मोटापा बन रहा है, बहुत ज्यादा चर्बी की गांठें बन रही है जगह जगह, तो ऐसे कंडीशन में SP4 को सिडेट करते हैं। इसके अलावा डायबिटीज मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो यह डायबिटीज का स्पेसिफिक पॉइंट है आपका पेनक्रियाज का PN3। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेनक्रियाज से स्राव घट जाते हैं, वहां से तरह तरह के एंजाइम्स हार्मोन्स निकलते हैं, उनका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से चीजें वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है, माइलेज माल्टेज एंजाइम्स इनका स्राव घट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग PN3 को टोन करते हैं, सिडेट करते हैं, सिडेट करने से ये ठीक हो जाती है। और अगर इन एंजाइम्स का कंट्रोलिंग ठीक है, ठीक ठाक निकल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हार्मोन्स जैसे इंसुलिन जैसी चीजें अगर नहीं निकल पा रही हैं, उसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसी PN3 को टोन भी करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स यानी वृद्धि हार्मोन्स की कमी हो तो अपने शरीर में, तो ऐसे कंडीशन में शरीर की अभिवृद्धि रुक जाती है, खास करके जो बच्चे हैं, बहुत ज्यादा हाइट नहीं बढ़ पाती है, और सिर्फ हाइट नहीं, बहुत सारी चीजें, आपके जननांग, बहुत सारी चीजें, वो सभी चीजें आपके ग्रोथ हार्मोन्स मेंटेन करती हैं आपके शरीर में। तो ऐसे कंडीशन में TW3 सिंगल पॉइंट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर के बाल, सेक्सुअल वीकनेस, ब्रेस्ट में मिल्क कम हो, आपकी स्किन ड्राई हो, उन सभी कंडीशन में TW3 पॉइंट को टोन करने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा डायवर्टिकुलाइज, तो इसको डायवर्टिकुलाइज, डायवर्टिकुलम अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको, तो आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जगह जगह इस तरह से पाउच जैसी बन जाती हैं, जैसे भोजन या जो चीजें आगे बढ़ती हैं इन्हीं पाउच में फंस जाती हैं, और फिर वहां पे वो चीजें रुकती हैं, सड़ती हैं, और फिर वहां प्रदाह हो जाता है, ये इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन, अल्सर जैसी कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में LI1C पॉइंट को सिडेट करने से इन डायवर्टिकुलाइज में आराम भी मिलता है, और ये ठीक भी होता है, तो आपके इंटेस्टाइन का प्रदाह भी ठीक होगा इससे। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो आपके हृदय के फैलने के समय का रक्तचाप, तो एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर जब बढ़ने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन देखिए, लिखा विटामिन के कॉलन में बनता है, LI2 लेफ्ट में और LI3 राइट में, ट्रांसफिगेशन से ये ठीक होता है। तो इसमें विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर में आप पॉइंट यूज कर सकते हैं, आप S6A पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, H6A डॉक्टर वॉल का, हालांकि इसमें विटामिन के का लिखा है, विटामिन के कॉलन में बनता है, तो विटामिन के को मेंटेन करने के लिए, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर के लिए आप LI2 लेफ्ट में और LI3 राइट में लगाएं, तो इससे आपका विटामिन के प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में बनने लगेगा। तो ये आपका डायवर्टिकुलम है, कार्डिया, आपके जो कार्डिया की दीवार है, तो उसका उस कार्डिया आपका स्टमक का जो कह सकते हैं जहाँ से एसोफेगस से जुड़ी हुई है, वो रीजन कार्डिया रीजन ही कहलाती है उसका, उसके बाद का रीजन आपका बॉडी होता है स्टमक का, उस रीजन में होता है कि ऐसा कंडीशन में क्या होता है, भोजन यहाँ रुकने लग जाता है, और फिर सेम कंडीशन वैसे ही वहाँ चीजें रुकती हैं, और बाद में वहाँ पे इस तरह से अल्सर या कह सकते हैं घाव जैसी चीजें यहाँ बन जाती है वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में उन डायवर्टिकुलाइज को ठीक करने के लिए ST43 लेफ्ट साइड में सिडेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए देखिए बेस्ट पॉइंट है GB17, मन की संवेदनशीलता का नियंत्रक, यानी थाइमोसाइकिक सेंटर है ये आपके ब्रेन का, ये ब्रेन का पॉइंट है, इससे आपका डिप्रेशन, मेलनकोलिया या ये सभी चीजों को ये प्रभावित ये करता है, ये ठीक करता है। टॉनिफिकेशन कर दें, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन, आपका ब्रेन का सिस्टम सही तरीके से काम करने लग जाता है, तो मानसिक रोगों के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है GB17। इसके अलावा देखिए कान में अगर आपका पॉलिप्स हो जाए, मांसाकुर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में फाइब्रॉइड का D3 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं टोन करके। इंडोक्राइन सिस्टम के लिए देखिए आपका पूरा का पूरा इंडोक्राइन सिस्टम का आपका जो है पॉइंट है TW1B, आपके इस पूरे चैनल का, इंडोक्राइन चैनल का ये CMP पॉइंट है, तो इससे TW1B को टोन करते हैं सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और TW1B को सिडेट करेंगे सिक्रेशन घट जाएगा इसका। तो सिम्टम के हिसाब से हम लोग इसको टॉनिफिकेशन और सिडेशन करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो उस पर सीड का यूज कीजिए।
इसके अलावा आपके श्वास की नली में या श्वास वाले रास्ते में कोई अवरोध हो, फेफड़े में ऊर्जा घट जाए, तो ऐसे कंडीशन में आप LU-10B पॉइंट को यूज कीजिए। ऐसे कंडीशन में आपके जो लंग्स में छोटे छोटे श्वास नलिकाएं हैं, ब्रोंक्यूल्स, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आती जाती है चीजें, तो ऐसे कंडीशन में वो अवरोध दूर होता है इससे। इसके अलावा आंखों की कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप LY-2A पॉइंट को यूज करते हैं, जो कि लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है। आंखों में किसी प्रकार का संक्रमण हो या आंखों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप LY-2A पॉइंट को यूज करते हैं। एसोफेगस कैंसर हो तो ऐसे कंडीशन में आप OR-2 पॉइंट्स को यूज करिए। आंखों में, कान में, सॉरी, ईयर एक हो, कान में दर्द हो, तो कान के तीन भाग होते हैं, बाहर वाले जिसको हम लोग आउटर ईयर बोलते हैं, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो तीनों में कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, कान से संबंधित कोई भी इन्फ्लामेशन किसी भी जगह हो जाए तीनों भाग में, LY-1-1 इस पॉइंट को सीडेशन से आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अन्न नली से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, यानी आप भोजन कर रहे हैं और वो भोजन आपके अमाशय तक जाती है, इस पूरे फूड पाइप में कहीं भी कोई दिक्कत हो, वहां पे चाहे संक्रमण हो चाहे कैंसर जैसी कंडीशन हो, उन सभी के लिए पॉइंट है LY-4A। इन पॉइंट को सीडेशन करने से उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों का भेंगापन, अभी हमने देखा था क्रॉस जो आई है, जो हम लोगों ने देखा क्रॉस देखने में लेफ्ट वाली आई लगेगा, राइट साइड देख रहे हैं, राइट साइड वाली आई लेफ्ट साइड देख रही है ऐसा लगेगा, उनमें भी काम करेगा। इसके अलावा भेंगापन हो, यानी पुतली का एक भाग, मध्य भाग बाहर की तरफ हो जाती है और वो फिर मध्य में नहीं आ पाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे भी हम लोग I-3 पॉइंट, डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, इसको भी 3-4 बार बोले रोज, इस तरह से दबाएं 1 मिनट तक। इसके अलावा पुतली ऊपर नहीं जा पाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका I-3 बेस्ट पॉइंट है। तो आंखों की कोई समस्या हो, LY-2A यूज कीजिए, उसके साथ साथ आप आई ऑर्बिट मेरिडियन बता दीजिए उनको। बहुत अधिक अगर नहीं समझ में आए तो पूरे आंखों के चारों ओर बता दीजिए कि जो आपका आंखों का जो ये आई ऑर्बिट है, आंखों के चारों साइड जो हड्डी सॉकेट है, उस सॉकेट पे आपको इस तरह से मसाज करनी है। इसके अलावा एक्सक्रीशन ऑफ बाइल इन ड्यूडनम, तो ड्यूडनम में पित्त का स्राव को अगर बढ़ाना हो तो SI-1A राइट साइड में लगा दें, तो ये उसके स्राव को बढ़ा देगा। इसके अलावा उसके स्राव को घटाना हो तो SI-1A राइट साइड में ही इसको सिडेट कर दें, तो ऐसे कंडीशन में सर, क्या ये होगा, बाइल का स्राव हाइपोथायराइड के घट लिए, जाएगा। वो हाइपो एसिडिटी के लिए है क्या सर ये? हाँ देखिए, अभी तो हम लोग बाइल की बात कर रहे हैं, एसिडिटी के लिए तो हम लोग वहां पे भी बात कर सकते हैं ना, स्टमक में भी, वहां तो एसिड का सिक्रेशन होता है, स्टमक के पॉइंट भी लगा सकते हैं आप। अगर बाइल का सिक्रेशन कम हो रहा हो ड्यूडनम में, वहां पे बाइल कम पहुंच रही है, तो उसके सिम्टम से पता चल जाएगा। जैसे व्यक्ति खाया, खाने के बाद सबसे पहला थैला है आपका स्टमक, ठीक है ना, स्टमक में क्या होती है, HCl का सिक्रेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में खाने के तुरंत बाद अगर जलन, दर्द, तकलीफें बढ़ती हो, तो वहां पे हम लोगों को स्टमक पे ध्यान देनी चाहिए। और अगर फिर भोजन यहाँ से समझिए 3-4 घंटे के बाद ही फिर पाइलोरस के माध्यम से आपके ड्यूडनम में जाएगा, तो खाने के 2-3 घंटे के बाद जब तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा जलन, तकलीफ इस तरह बढ़ती है, तो मानना चाहिए वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है वहां पे जो एंजाइम्स कुछ आते हैं जो कि इसको कर फूड सकते हैं क्लियर। रिफ्लेक्शन, हाँ जी, हाँ, फूड फूड रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्ट तो प्रॉब्लम है आपका, सर, रिफ्लेक्ट। फूड रिफ्लेक्शन तो आपका स्टमक से जुड़ा हुआ है, वहां पे जो फूड मार्गोलंघन इसको बोलते हैं ना, खाना इधर से लिया आपने, वो नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे ना जाके वापस मुंह में आ रहा है, इसी को बोल रहे हैं आपने, वापस आ रहा है तो सर अच्छा, उसमें उसके अपोजिट फ्लो उसके लगाना लिए पड़ेगा फिर हमको। आप पोलिश अपोजिट फ्लो लगा सकते हैं। आप चाइनीज में भी पॉइंट है आपका, CV का 13 नंबर पॉइंट है आपका, उस रीजन का जो स्टमक का कार्डिया रीजन है, जो वहां पे भी स्पिंचर लगे हुए हैं, दीवार लगे हुए हैं, उस दीवार को कमजोर होने के बाद ही चीजें वो जो वापस आती है, नहीं तो वापस नहीं आना चाहिए। अच्छा उसके पॉइंट दिए हुए हैं, उस पॉइंट को यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्टमक हीट के पॉइंट लगाइए। ठीक है सर। इसके अलावा देखिए, मूत्र मार्ग की झिल्ली का बाहर निकल पड़ना, तो देखिए मूत्र सामने के मूत्र मार्ग में महिला के श्लेष्मिक झिल्ली होती है, और ये झिल्ली जब बहुत बार बाहर निकलने लग जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको UV-52 को टोन करते हैं। तो ये आपके फीमेल्स का यूरेथ्रा का आउटर पोर्शन का, इंटीरियर पोर्शन का ये पार्ट का पॉइंट है UV-52। इसके अलावा फैटी लीवर के लिए देखिए, आप लीवर 2 को टोन करें तो ये आपके फैटी लीवर को ठीक करेगा। इसके अलावा देखिए, फैटी डिजनरेशन लीवर में जब हो जाता है, लीवर जब मोटा हो जाता है, यानी लीवर का फंक्शन घट गया, वहाँ फैट बहुत ज्यादा डिपेजिट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में फैट डिजनरेशन का 1 नंबर पॉइंट को टोन करने से फिर वो ठीक हो जाता है।
कई सारी चीजों में लीवर का बहुत बड़ा रोल है अपने शरीर में, ब्लड में जो चीजें होती है, जो टॉक्सिन्स होती हैं, सबको वो फिल्टर करने का काम करती है। तो इसी तरह से फैटी डिजेंशन आपके हार्ट का हो जाए, यानी हृदय में वसा का अपचयन बढ़ना शुरू हो जाए, फैट डिपॉजिट होना हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हार्ट का फंक्शन, उसके मसल्स का फंक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फैट डी टू पॉइंट को टोन करने से फिर वो धीरे धीरे वहां से वो निकलने लग जाएगा। इसके अलावा आपके वेसल्स में, जैसे कॉरोनरी आर्टरीज होती है हार्ट की, उसमें फैटी डिजनरेशन होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में ब्लड का फ्लो जो है वो अवरोध होने लग जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आप फैट डी टू पॉइंट को टॉनिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये सब पॉइंट आपको बहुत मदद करेगा। जैसे बहुत बार हम लोगों को पेशेंट मिल जाते हैं आपको हमें कि हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है, ये ब्लॉक यही तो है, ऐसे कंडीशन में उपचार हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर बॉल के पॉइंट हमें बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा देखिए, आपका फैटी डिजनरेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, हाथ बांह कंधे में वसा का अपचयन, तो यहाँ भी चर्बी एकत्र होने लग जाए, यहाँ भी फैट डिपॉजिट होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगी, यहाँ का ये मूवमेंट प्रभावित कर देंगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे भी फैट डी टू को टोन करेंगे, तो यहाँ से जो मेटाबॉलिज्म होकर फैट फिर वहां से हटने लगेंगी। इसके अलावा देखिए, जो ऑर्टा है उसमें भी अगर फैट इस तरह से डिजनरेशन होने लग जाए, वहां पे भी फैट एकत्र होने लग जाए, ऐसे कंडीशन क्या होगा कि हमारे ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज है उसमें ब्लड का संचरण कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी फैट डी को टोन करने से ये ठीक हो सकता है। उसी तरह से देखिए, फैटी डिजनरेशन ऑफ जॉ बोन, तो जबड़े की हड्डी में भी इस जगह पे भी यहाँ चर्बी एकत्र होने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फैट का डी थ्री पॉइंट यूज करेंगे, 1 2 3 के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये हड्डी पुनः सामान्य हो जाती है। उसी तरह से ब्रेन में देखिए, देखिए फैटी डिजेंशन ऑफ ब्रेन वेसल्स, तो ब्रेन में जो वेसल्स गई है वहां भी अगर इस तरह से चर्बी बढ़ने लग जाए, फैट बढ़ने लग जाए, तो ऐसे कंडीशन में ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो जाएगा। तो वहां पे भी हम लोग फैट डी को टोन कर दें, तो ऐसे कंडीशन में वहां भी जो डिपॉजिट हुआ है फैट वो बाहर हो जाएगा। फेशियल पैरालिसिस के लिए स्पेसिफिक देखिए पॉइंट आपका दिया है TW16A, इस पॉइंट को टोन करें। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है कि फेशियल पैरालिसिस में कई सारी चीजें, आपके जो लिप्स हैं वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाते, ड्रूलिंग होने लग जाती है, या पूरी तरह से बहुत बार आईलिड बंद, आंख बंद नहीं कर पाते लोग, पूरी तरह से आंख बंद नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में TW16A-1 को टोन करें। इसके अलावा फाइब्रॉइड इन यूरोजेनाइटल ऑर्गन, मूत्रांग और जननांग में गांठ बनना, तो देखिए वहां पे अगर इस तरह की गांठ, इस तरह से चीजें बन जा रही हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फाइब्रॉइड D1। तो देखिए, अगर इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप अगर देखें तो किसी प्रकार का गांठ हो, किसी प्रकार का आबुर्द बन रहा है, किसी प्रकार का ग्रोथ बन रहा है, तो उसमें हम लोग ज्यादातर देख रहे हैं ओआर मेरेडियन, फाइब्रॉइड मेरेडियन, फैट मेरेडियन, इन सब चीजों का ज्यादातर यूज है। बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, डॉक्टर वॉल का सिद्धांत अगर नीचे के एरिया में है, यानी बिलो, अगर बात करें पेल्विस रीजन से नीचे की बात करें तो 1 नंबर, और बीच के बात करें आपके ट्रंक रीजन की 2 नंबर, और फिर ट्रंक से ऊपर अगर हेड रीजन की बात करें तो 3 नंबर, इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। तो अगर अपर रीजन में अगर फाइबर की गांठ बनी है तो फाइब्रॉइड का D3 यूज कर लेंगे, अगर मिडिल रीजन में इस तरह गांठ बन रही है तो 2 नंबर यूज कर लेंगे, और लोअर रीजन में कहीं पे गांठ इस तरह की बन रही है तो 1 नंबर यूज कर लेते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए, फाइब्रोमा ऑफ लीवर, तो लीवर में भी कहीं गांठ बन जा रही है कार्बन मोनोक्साइड से विषाक्त होने के बाद, या तीव्र अत्यधिक रक्तल्पता, यानी शरीर में अगर बहुत ज्यादा ब्लड की कमी है तो चीजें क्या होगी, रुकेगी वहां पे, या फिर लिखा हुआ है एक्यूट ड्यू टू एक्यूट इंसफिशियंसी ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, यानी अगर आपके हार्ट का राइट साइड का हार्ट फेल्योर बोलते हैं, राइट साइड का हार्ट फेल्योर यानी वेंट्रिकल उसके फेल्योर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में भी चीजें क्या होगी, वो लीवर में रुकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हार्ट ब्लड आगे लंग्स में नहीं भेज पाएगी, फिर वहां से लेफ्ट साइड हार्ट में नहीं आएगा, फिर पूरी बॉडी पे नहीं जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि लीवर में वहां पे गांठ बनने लगेगी, तो उसको फाइब्रोमा ऑफ लीवर जैसी कंडीशन हो जाती है, वहां फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में भी फाइब्रॉइड का D1 नंबर पॉइंट को टोन करने से इसको ठीक कर सकते हैं। पेनक्रियाज में हो इस तरह की कंडीशन, तो वहां पे भी आप फाइब्रॉइड का D1 पॉइंट को टोन कर देते हैं। स्प्लीन में हो तो स्प्लीन में भी वहां पे भी फाइब्रॉइड का D1 टोन कर दीजिए। इसके अलावा फाइब्रॉइड कहीं भी हो, फाइब्रोमास यानी कहीं पे भी इस तरह से गांठ हो, कनेक्टिव टिश्यू की गांठ हो, तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपको लिखा हुआ है यूट्रस फाइब्रॉइड, ब्रेस्ट फाइब्रोमा आदि बन जाते हैं, इनका उपचार कठिन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग फाइब्रॉइड D1B को सीडेट करने से ठीक कर सकते हैं। अगर चीजें रुक रही है तो वहां पे सीडेट कर दें, तो वो जो रुक रही है चीजें वो बाहर निकल जाएंगी।
इसके अलावा देखिए ब्रेस्ट में वहां पे अगर कोई गांठ बन जाए तो ऐसे कंडीशन में सिस्ट जैसी कंडीशन हो जाती है, वहां पे भी हम लोग फाइब्रॉइड डी टू को सिडेट कर देते हैं तो वहां से वो निकल जाएंगी जो चीजें रुक रही है। फेशियल पैरालिसिस के लिए UV9 पॉइंट है। तो देखिए चेहरे का लकवा इसमें मेन रोल होता है पॉन्स का, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पेडेंगल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, पॉन्स मिड ब्रेन आपके ब्रेन स्टेम वाले एरिया से निकलती हैं, तो फेशियल जो पैरालिसिस उसमें पॉन्स वाला भाग प्रभावित होता है ब्रेन स्टेम का, और उसमें UV9 उसका स्पेसिफिक पॉइंट है। तो ऐसे कंडीशन में UV9 को टोन कर दें तो चेहरे के लकवा के लिए एक सिंगल पॉइंट आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा फेशियल पैरालिसिस के लिए। इसके अलावा फ्रंटल साइनोसाइटिस के लिए, ललाट के साइनस के पर्दा के लिए देखिए आपका लिखा है UV2, तो देखिए इस जगह पे इस पॉइंट की लोकेशन है, तो फ्रंटल साइनस के लिए आप स्पेसिफिक पॉइंट है आपका UV2, UV2 यूज कर सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर हो तो SP17 पॉइंट, अगर खाने के तुरंत बाद एसिडिटी या देखिए बहुत दिनों के बाद अमाशय में अल्सर बन जाता है, फिर गैस्ट्रिक लिम्फ नोड प्रभावित हो जाते हैं, और व्यक्ति काफी ज्यादा जैसे खाने के बाद जलन बहुत ज्यादा महसूस होना, इस तरह की चीजें अगर होती हो, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती हो, तो SP का 17 नंबर पॉइंट को सिडेट कर दीजिए। इसके अलावा गैस्ट्रोपैथिक डिसऑर्डर है तो देखिए क्षेत्रों से संबंधित रोग होते हैं, जलवायु से संबंधित रोग होते हैं, जेट लैग के कारण रोग होते हैं, तो SP4A को सिडेट करने से ये ठीक हो जाते हैं। तो इसका कारण देखिए क्या दिया है, जेट लैग लिखा है, पहाड़ों पर जाने से पहाड़ों से संबंधित कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे ठंड लग रहा है, पतले दस्त होना, सांस फूलना, जाड़े, गर्मी, बारिश आदि जलवायु से संबंधित कई प्रकार के रोग होते हैं, या फिर हवाई जहाज में लंबी दूरी यात्रा करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में इसको जेट लैग बोलते हैं। उन सभी डिसऑर्डर को आप इसको ठीक कर सकते हैं, अगर आप पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं उसमें भी हवाई यात्रा करने के बाद कोई दिक्कत हो रही है, तो उन सभी कंडीशन में आप इस पॉइंट को लगा के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। और गाउट के लिए देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका पेनक्रियाज का PN2, तो इस पॉइंट को सिडेट कर दें, और खास करके यूरिक एसिड का जो सिम्टम आता है आपके राइट वाले बिग टो में ही इन्फ्लामेशन आती है इस जगह पे, तो बहुत बार बहुत असहनीय दर्द, सूजन, लालिमा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। आपको देखिए यहाँ हाइटस हर्निया के पॉइंट दिख रहे हैं, ST43, हेमरॉइड्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको इस बुक में मिलेंगे, लगभग 300 के आसपास इसमें पॉइंट है, तो इसको आप लोग पढ़िए इसको, बाकी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत अधिक कठिन नहीं, क्योंकि सर ने बहुत ईजी तरीके से इसको लिखा है, तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें कई तरह के संक्रमण, और थोड़ा सा अपने से भी आप अगर पढ़ें इसको, इसके साथ साथ थोड़ा सा अपना खुद भी सेल्फ अगर प्रयास करें तो बहुत अधिक कठिन नहीं होगा। इसलिए कठिन नहीं होगा कि चीजें बहुत इजी तरीके से इसमें लिखे हुए हैं, जब आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा देखिए अपने पास बहुत सारे पॉइंट हैं, हम लोगों ने पढ़ा है OR मेरिडियन पढ़ा है, AD मेरिडियन पढ़ा है, एलर्जी मतलब किसी प्रकार की एलर्जी हो OR मेरिडियन ले लीजिए, डीप लिम्फ की क्लीनिंग हो कहीं पे गांठ आबुर्द बन रही है तो फैट मेरिडियन है, OR मेरिडियन है, उनके पॉइंट ले सकते हैं, कहीं पे ऑर्गन की एफिशिएंसी अगर दिक्कत हो, ऑर्गन कोई कमजोर हो रहा है तो उसके लिए उसके फ्रंट शू बैक शू पॉइंट को हम लोग लेते हैं, है ना, इसी तरह से तो पॉइंट सर ने इसमें ऐड किए ना, तो वो चीजें हम लोग भी कर सकते हैं, उन चीजों को पढ़ के समझ के धीरे धीरे हम लोग भी उस पर आगे का काम कर सकते हैं। हम लोग इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, उसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए, धीरे धीरे करके आप लोगों को भी समझ में आएगा। आप लोगों को कुछ सर, ये पूछना है पूछिए। डॉक्टर वॉल की कौन सी बुक थी सर, ये फर्स्ट? डॉक्टर वॉल की आपकी बुक जो है वो TITRAZ 3, 4, 5, और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये जो ये वन सिंगल पॉइंट पॉइंट बुक का पार्ट थ्री, ये सिंगल पॉइंट का पार्ट थ्री है जी, ओके ओके सर, एक बार सिंगल स्क्रीन पॉइंट का शेयर पार्ट में थ्री है, वो बुक दिखाएंगे सर, हम बुक बिल्कुल दिखा दिखाएंगे दीजिए, आपको। जी जी बिल्कुल दिखा रहे हैं, फ्रंट पेज उसका हाँ दिखा रहे हैं, एक मिनट देखिए, मैडम भी दिखा रही हैं और अच्छा हम भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये वाली बुक है, ओके ये ओके देखिए राइट सर, लिखा है ना वन पॉइंट ट्रीटमेंट बुक थ्री। अच्छा 3 है क्या? हाँ देखिए हम लोग अगर देखें ना तो बहुत अधिक कठिन नहीं है। देखिए कठिन क्यों हम नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए ये चीजें जैसे अभी हम लोग पार्ट टू पढ़ा, हम लोगों ने अपनों पहले सबसे पहले जब 5:30 बजे से हम लोगों की क्लास हुई, हम लोगों ने सिंगल पॉइंट की पार्ट टू वाली बुक पढ़ा, हम लोगों ने उसमें भी कई सारी चीजें मिली, जैसे एक्जिला रीजन की देखिए कई सारी चीजें, ब्लड सेल्स से रिलेटेड कई सारे पॉइंट मिले हम लोगों, TCM के भी, डॉक्टर वॉल के भी, एनीमिया के पॉइंट हम लोगों ने देखे, पूरी शरीर में जो बोन है उसका SMP पॉइंट हम लोगों ने देखा UV12, है ना, तो
तो कई सारी चीजें जो है बहुत अधिक कॉमन है, मतलब जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर वॉल ने क्या किया ना, जो उन चीजों को अगर उसके कुछ स्पेसिफिक अलग भी काम है तो उनको उन्होंने दोबारा परिभाषित कर दिया उन पॉइंट के काम को। तो हम लोगों को मदद मिल गया कि एक ही चीजों के दो तीन पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जब उसको पढ़ें फिर मिलाते रहें उसको जोड़ते रहें तो हम लोगों का काम आसान हो जाता है कि एक बीमारी के लिए हमें बहुत अधिक बुक देखने की जरूरत नहीं, दो दो तीन तीन पॉइंट से भी हम लोग काम कर सकते हैं। भैया मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे YNM के 3 पॉइंट हैं 0, 1, 2, वैसे लंग्स के 1 से 11 बिंदु, तो वो तीनों इसी में ऐड हो जाएंगे क्या? 0, 1, 2 में ही पूरे 11 बिंदु आ जाएंगे उसके? नहीं, इसमें डॉक्टर वॉल का जो पॉइंट हम लोग यूज करते हैं ना, डॉक्टर वॉल का जो हम लोग पॉइंट यूज करते हैं, जैसे जितने भी पॉइंट हैं उनके, खास करके जो टिश्यू मेरिडियन जिन्होंने ढूंढा है डॉक्टर वॉल ने, उसमें हम लोग 1, 2, 1, 2, 3 का यूज करते हैं। जैसे एलर्जी डिजनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे शरीर के नीचे वाले भाग में अगर एलर्जी है, जननांग में या फिर पैर में एलर्जी है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एडी का 1 नंबर यूज करते हैं पॉइंट नीचे के एरिया में। अगर ट्रंक रीजन में, इस रीजन में अगर किसी प्रकार की एलर्जी है आपको या कोई दिक्कत है आपको, तो ऐसे कंडीशन में एडी का 2 नंबर यूज करते हैं हम लोग। और फिर अपर रीजन में आपके हेड में, आपके सर में, चेहरे में, गर्दन में, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ऐसे कंडीशन में एडी का 3 नंबर यूज करते हैं। तो ये खास करके टिश्यू मेरिडियन में यूज होता है। तो और हम लोग वाइनम की अभी एक बात नहीं कर रहे हैं, वाइनम में तो हम लोग कर ही लेते हैं, वाइनम में तो हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं सब मेरेडियन को, और वाइनम एक और में ओके 3 भाग में बांट देते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोग ने 37 पढ़ी भैया, तो उसमें ना एक एक रोग के बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, और वही रोग जैसे इसमें 1 पॉइंट में है, तो इसमें एक एक में एक एक पॉइंट दिया हुआ, तो वो इफेक्टिव होगा क्या? बिल्कुल इफेक्टिव होगा, क्यों नहीं इफेक्टिव होगा। अभी आपने पढ़ा ना, जब हम लोग पुस्तक पढ़ रहे थे तो वहां क्या लिखा हुआ था, बिंदु एक उपचार अनेक। तो उसके पहले ही हमने वहां पे बताया था आपको, वहां पे उसके पहले ही हमने आपको वहां बताया था कि जब हम किसी पॉइंट को लगाते हैं तो एक ही पॉइंट का कई सारा काम है। एक तो वो पॉइंट किसी जगह का लोकल पॉइंट हो सकता है, फिर दूसरा है कि किसी चैनल के ऊपर वो पॉइंट हो सकता है, तीसरा वो किसी किसी चीज का, किसी बीमारी का या शरीर के किसी भाग का डिस्टल पॉइंट हो सकता है, शरीर के किसी भाग का डिस्टल पॉइंट भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो वो काम जी बिल्कुल करेगा, जिस चीज के लिए आप लगाएंगे उसमें बिल्कुल काम करेगा। लेकिन आप देखे होंगे जैसे हम लोग किसी बीमारी के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां एक एक चीज के लिए दो दो तीन तीन पॉइंट लिखे हुए रहते हैं, या इस तरह से। अब इसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है फीमेल्स में, हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसके साथ कारण भी तो दे दिया हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अगर हीट बढ़ी है तो आपको हीट तो पहचानना पड़ेगा, अगर क्वी कमजोर है, की कमजोर है, तो वहां भी आपको समझना पड़ेगा कि बॉडी में की कमजोर कर पड़ गया, रोक नहीं पा रहा है, तो वहां आपको की टोन करना पड़ेगा। वहां आप हीट कम करते रह जाएंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहां फिर हमको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अगर ब्लड में हीट बढ़ी है उसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड का कलर कैसा होगा, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करके आप पकड़ पाएंगे उसको। तो उसी तरह से जो दो दो, दो तीन तीन पॉइंट दिए हुए हैं, वहां भी जब आप डीप नॉलेज पढ़ेंगे थोड़ा सा तो चीजों को समझ जाएंगे हमको कहाँ पे क्या यूज करना है, लेकिन वो पॉइंट काम करेगा। पूछना चाहूंगी हेलो सर, अरे यूरिक एसिड के लिए बताया था ना आपने, सीएन टू आप तो यूरिक एसिड के चलिए आप बोल लीजिए, आप बोलिए पहले। मैं ये बोल रही जैसे ट्रेटाइस 7 में भैया एक बीमारी के 7 और 8 बिंदु दिए हुए हैं, तो फिर ये इतने सारे देने की क्या जरूरत, फिर वो भी एक पॉइंट से हो सकता है? देखिए देखिए, ये सिंगल बिंदु का उपचार जो है ना, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है कि जो बहुत अधिक पॉइंट नहीं लगा सकते, बहुत एजेड हैं तो उनको बहुत अधिक नहीं कुछ कर सकते, आप उनको सिंगल बिंदु पे एक पॉइंट लगाने के लिए बता दीजिए। जैसे वो पॉइंट लगाते रहेंगे, लॉन्ग टर्म में लगाएंगे, धीरे धीरे उनको शरीर में उनको लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बार तो ये होता है कि सिंगल पॉइंट त्वरित भी काम कर जाता है। और बाकी देखिए चीजें क्या होती है ना, जब हम लोग बोलते हैं ना बीमारी का उपचार, जब हम लोग करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट रूट फ्रूट का नहीं करते, हम लोग रूट का उपचार करते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं ना कि शरीर में बीमारी का कारण क्या है, कहाँ पे कारण है। अगर एक ही बिंदु से अपना काम हो जाता तो फिर इतने बिंदु का जरूरत क्या होता है। हम लोगों को बीमारी का समुचित उपचार करना है, लेकिन बहुत अधिक लोग नहीं कर पाते, उनको कम कम पॉइंट चाहिए, एक एक दो बिंदु। तो जो कुछ भी नहीं करना चाहते वो एक बिंदु तो लगा सकते हैं, आप उनको सिंगल पॉइंट बता दीजिए तो लगाएंगे, उनको फायदा तो होगा होगा, ये चीज है। लेकिन आपको एज ए एज ए ट्रीटमेंट है ना, एज इसलिए एज ए एज ए थेरेपिस्ट के रूप में आपको पूरा का पूरा प्रोटोकॉल लगाना चाहिए, आपको समझ के बीमारी का उपचार करना चाहिए।
क्यों भैया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे आप। सर फ्रोजन शोल्डर के लिए बोलो ना कुछ, वायरिंग के पॉइंट जी, फ्रोजन शोल्डर के लिए राइट साइड। फ्रोजन शोल्डर के लिए देखिए ना, यहाँ से कौन 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 सी चैनल आपकी जा रही है, अब इसमें हाथ सीधा उठाने में दिक्कत है या पीछे ले जाने में दिक्कत पीछे, है, क्या पीछे दिक्कत लेने, ले जाने पीछे ले आप जाने देखिए, पीछे 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 आपकी SI चैनल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की चैनल है ना, और आपका YNM में अगर देखें तो एक नंबर में आपका ये कंधा वाला भाग आता है ना, तो आप SI का 1 नंबर पॉइंट पे देखिए सेडेशन करके आप। इसके अलावा आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, यहाँ पे हम लोगों का बैक में इस रीजन के करस्पोंडेंस के जो चैनल बताए हैं अभी संस्थान ने, आप लोगों को पता होगा, तो आप उसको उस पॉइंट को आप लगा सकते हैं। कौन से सर? यहाँ पे 3 पॉइंट है ना इस जगह पे, ये वाले चैनल नाम भूल रहे हैं, नाम ध्यान में नहीं है, हमें आ रहा है आ रहे हैं इस जगह पे, ये थी नहीं नहीं अलग अलग चैनल बताए ना, जैसे पेल्विस चैनल बताए हैं, आपका डायफ्राम चैनल बताए हैं अलग अलग, उसी तरह से यहाँ के चैनल का नाम हम भूल रहे हैं। हाँ तो इस चैनल पे आप यहाँ पे, हाँ स्केपुला चैनल, सॉरी स्केपुला मेरिडियन, स्केपुला मेरिडियन कह सकते हैं, ये बैक में चला गया, बैक का है, तो आप इस साइड में बैक साइड में स्केपुला मेरिडियन पे 1 2 3 इस तरह से, इस पे भी चेक करके आप मैग्नेट लगा सकते हैं। अब बाकी YNM में आप चेक कीजिए ना, यहाँ से जाने वाली जितनी मेरिडियन है उसके पॉइंट्स को चेक कर लीजिए, LI SI TW इनके पॉइंट्स को चेक कर लीजिए, जो अफेक्टेड होगा आपको पता चल जाएगा उस पे। मैं कुछ बोलूं? जी जी बोलिए। अग्रवाल सर जी ने ना इसके लिए फ्रोजन शोल्डर के लिए LU7 LU8